मैं जब कभी भी वायु प्रदूषण के बारे में अगर सोचती हूँ तो सबसे पहला वर्ड मेरे लिए आता है बादल। वायु प्रदूषण के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत घुटन लगता है, यहाँ कहीं ना कहीं दम घुटता है। वो दिल्ली ज़्यादा अच्छी लगती है कम्युनिटी लेवल पर, यहाँ पर आकर के उसके अकॉर्ड मतलब ये होता है कि दिल्ली में मैं सारी जगह घूम ली अच्छा लगा, लेकिन जब अपने घर की तरफ आते हैं तो यहाँ फिर से वही कबाड़ा वाला एरिया हो जाता है, तो मुझे वो दिल्ली पसंद है, ये दिल्ली पसंद नहीं है। ये जो हवा में बात का जो हमने ये आर्ट लेड एक अप्रोच ली है इस मुद्दे को लेकर, तो आइडिया ये था कि एयर पोल्यूशन को हम विजिबलाइज करना चाह रहे थे, जिसको कहते हैं कि उसको टेंजिबल रूप से कैसे दिखाया जाए। तो क्योंकि एयर पोल्यूशन तो एक ऐसा मुद्दा है, हवा है कि हाँ इनविजिबल है और इट्स ऑलवेज सराउंडिंग अस, बट उसको एक मटेरियल के रूप में किस तरीके से निकाला जाए। तो इसी के चलते हमने चार वर्कशॉप्स नंदनगरी में करी, चार भलसवा में करी, विमेन के साथ इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी कि ये मुद्दा सिर्फ एक प्राइवेट एक हाउस होल्ड का मुद्दा ना बने, पर इसको हम एक पब्लिक डिस्कोर्स कैसे बना पाएँ आर्ट के माध्यम से। और ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये शायद पहला ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें विमेन ने खुद डिज़ाइन करा है और खुद अपने इलाकों में एक पब्लिक एग्जिबिट वो लेकर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। काफ़ी टफ था उनको समझाना कि कैसे है, क्योंकि वो हवा में मतलब सांस तो ले रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना, वो फील करते हैं हवा का जो मतलब इम्पैक्ट है लेकिन देख नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए बड़ी मतलब उनको प्रॉप की ज़रूरत है। वो सारे चीज़ें ये एक्चुअल प्रॉप है हम जो बनाए, ये हवा के साथ बात करना है ना? ये काफ़ी मतलब तीन चार लेयर में काम हो रहा है, ह्यूमन कोलाब्रेशन, मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नेबरहुड, लैंडफिल, बहुत सारे टॉपिक लेके आएगा ये। अपनी मतलब पर्सनल लाइफ के साथ ही पोल्यूशन को कनेक्ट करते हैं। तो हम जो कम्युनिटी जो 20 महिलाएं आई थी तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि हम लोग तो आर्ट प्रैक्टिशनर है, जो भी हम देखते हैं थ्रू बाई आर्ट पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी को एंगेज करना, उन लोगों से बातचीत करके स्टोरी कलेक्ट करके फिर उसको एक आर्ट फॉर्म में लेके आना, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। और सभी ने अलग अलग स्टोरी बताया, खुद का एक्सपीरियंस या घर का एक्सपीरियंस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, सोसाइटी का एक्सपीरियंस, उसी को हमने वो आर्ट में कन्वर्ट किया है। लगा कि हमने अपने आप को तो जागरूक किया लेकिन लोगों को भी जागरूक किया, अपने बच्चों को जागरूक किया सफाई के द्वारा। वो मेहनत अभी दिख रही है हमारी, मम हर बच्चे ही पूछ रहे हैं, आस पड़ोस वाले पूछ रहे हैं क्या आपने बनाया, सब चौंक जा रहे हैं, ओ ये इन्होंने बनाया था, हेड सा फील हो रहा है हम कि हम हेड है। और जो आज यहाँ प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम मैंने यहाँ तो क्या आसपास में भी कभी नहीं देखा। ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो पब्लिक इसके बाबत अच्छी जागरूक हो। When I went for this exhibition, the first thing I saw that the local women are involved. So that's why I found it very interesting and how the whole thing is portrayed. The idea of air pollution is portrayed.
हमारा आइडिया ये है कि जितनी हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिल्ड करी है, जितना हमने लीडरशिप वुमेन का बिल्ड किया है, वो इस काम को आगे कंटिन्यू करेंगे. वो एडवोकेट्स बनेंगे इस मुद्दे के, चाहे वो अपने बच्चों के स्कूल्स में जाकर बने या पब्लिक स्पेसेस की मांग रखें अपने लोकेलिटीज़ में, या जॉब सिक्योरिटी को, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लेकर मुद्दों को उठाएं, एज वेल एज अब उनमें आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो डिसीजन मेकर्स से खुद जाके एक मोमेंटम को सस्टेन करेंगी.